कर्नाटक के बंदीपुर टाइगर रिजर्व रामपुर हाथी कैंप से 4 हाथियों को लेकर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम मंगलवार को मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है। 4 दिन में करीब 1600 किलोमीटर का रास्ता तय कर हाथी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अंजना ढाणा कैंप पहुंचेंगे। मैसूर बेंगलुरु नागपुर के रास्ते हाथी ट्रक से 2 या 3 दिसंबर तक एसटीआर में पहुंचेंगे। अफ्रीकन चीतों के मध्य प्रदेश में कर्नाटका से 15 हाथी आने हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और एसटीआर में यह हाथी आने हैं। पहले चरण में 4 हाथी एसटीआर में आ रहे हैं। हाथी लाने सोमवार को एसटीआर की टीम बंदीपुरा पार्क में पहुंच गई थी। पार्क प्रबंधन ने सभी हाथियों को एकत्र किया। एसटीआर की टीम ने 4 हाथियों को चुना है, जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल हाथी हैं, जिनके नाम कृष्णा, गजा, पूजा, मारिसा है। एसटीआर टीम के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति, डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, पन्ना के डॉक्टर संजीव गुप्ता, पिपरिया डिप्टी डायरेक्टर आशीष कुबरा बड़े, रेंजर आरपी पाठक की टीम हाथी लेने कर्नाटक गई है। मेडिकल समेत तमाम तरह की जाँच होने के बाद चारों को ट्रक में रखकर मंगलवार दोपहर टीम रवाना हुई। फिर डायरेक्टर एल कृष्णामूर्ति ने बताया, 4 हाथी लेकर मंगलवार को टीम रवाना हो चुकी है। ट्रक में रखकर हाथी लाए जा रहे हैं। विभाग के मुताबिक करीब 300 से 350 किलोमीटर का रास्ता एक दिन में तय होगा। 1600 किलोमीटर का सफर 4 से 5 दिन तक कर पिपरिया पहुंचेंगे। रास्ते में जंगल और नेशनल पार्क कोर एरिया पर जगह जगह हाथियों को रात में ठहरने की व्यवस्था की गई है। टीम नर्मदापुरम आने तक हाथियों की लोकेशन साझा करेगी, इसे विभाग रिकॉर्ड में भी दर्ज करेंगे। मैसूर बेंगलुरु नागपुर होते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगे। इस दौरान 4 गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जो लगातार हाथियों की मॉनिटरिंग कर रही है। रूट चार्ट के हिसाब से हाथी करीब 1600 किलोमीटर का सफर तय करेगा। इस दौरान हाथियों को भोजन में नारियल, गन्ना, चावल, खरबूजा भी दिए जाएंगे। कर्नाटक के मैसूर के नागर होल टाइगर रिजर्व में एशियाई हाथी होते हैं। इन हाथियों की कई विशेषताएं हैं। घने जंगल में वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए यह उपयुक्त रहते हैं। एशियाई हाथी रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। 150 किलो सामग्री खा सकते हैं। इनके कान बड़े होते हैं। वजन 3 से 5000 किलो होता है। हाथी एक दिन में 200 लीटर तक पानी पी लेते हैं, इसलिए पानी के लिए दूर तक बार बार नहीं जाते हैं। पर्यटकों को सैर कराने, बाघों के रेस्क्यू एवं रात में पेट्रोलिंग हाथियों से की जाती है। एसटीआर में हाथी महोत्सव के दौरान 7 दिनों तक विशेष पकवान खिलाए जाते हैं। मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 6 हाथी हैं। सबसे छोटा हाथी विक्रम है। सबसे बुजुर्ग हाथिनी अजुंगम है। एसटीआर में 4 हाथी एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रिया और सिद्धनाथ का बेटा विक्रम और बेटी लक्ष्मी है। लक्ष्मी और सिद्धनाथ कुनो में अफ्रीकन चीतों की निगरानी में गए हैं। कर्नाटक के बंदीपुर से आए हाथियों को पहले मटकुली के जंगल में बने अजना ढाणा कैंप में रखा जाएगा। यहां करीब 1 महीने तक एसटीआर के डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। डॉक्टर उनके व्यवहार पर बारीकी से नजर रखेंगे। इसके बाद जंगल में छोड़ा जाएगा और अन्य काम लिया जाएगा।